हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डोलोपार 250 सिरप के बारे में, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सकता है। और इसे लेने के लिए आपको किसी भी डॉक्टर के पर्चे या फार्मासिस्ट की सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वीडियो चालू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आइए अब बात कर लेते हैं डोलोपार 250 सिरप के बारे में, जिसकी प्राइस होती है 45 रुपये, और ये 60 ml में आता है और ये मिक्रो कंपनी का होता है। इसमें जो साल्ट पाया जाता है वो पाया जाता है पैरासीटामोल। इनमें पैरासीटामोल 5 ml में आप 250 mg अपने बच्चे को दे सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर बता देता है कि आपको 5 ml देनी है, तो इसकी डोज हो जाती है 250 mg। डोलो पर 250 टैबलेट सिरप का यूज जो किया जाता है वो किया जाता है, जैसे कि आपके बच्चे को किसी भी प्रकार का फीवर हो जाता है, जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया या किसी भी प्रकार का बुखार हो जाता है, तो आप डोलो पर 250 सिरप का यूज कर सकते हैं। इसकी डोज जो होती है वो होती है, आप अपने बच्चे या आप अपने डॉक्टर की सलाह से भी इसका यूज कर सकते हैं। इसकी डोज ये देखिए, इस पे लिखी होती है 1 से 3 एयर के बीच। अगर वेट उसमें 10 से 14 किलो है तो आप 3 से 4 ml दे सकते हैं, और अगर 3 से 5 साल का आपका बच्चा है तो और उसमें वेट है 14 से 18, तो आप 4 से 5.5 ml तक दे सकते हैं। डोज का जो हिसाब लगाया जाता है वो लगाया जाता है बच्चे की एज एंड वेट के हिसाब से। आप अपने बच्चे को इसकी डोज दे सकते हैं या आप अपने डॉक्टर की सलाह से भी इसका यूज कर सकते हैं। डोलोपार 250 सिरप का यूज जो किया जाता है वो किया जाता है बच्चों को, जैसे हाथ पैरों में दर्द हो जाता है, बुखार हो जाता है, या किसी भी प्रकार का जैसे टाइफाइड, मलेरिया या मियादी बुखार बोल देते हैं, तो आप डोलोपार सिरप का यूज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।